मास्टर बीज रूप
सभी, चाहे पांडव है चाहे शक्तियां है, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो नदी, ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान गंगाएं। अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से
Thank you.
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है। आत्मा तो हमारा स्वधर्म, हम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये है उनके ऑर्गन्स शरीर। और ये भी मालूम है आत्मा को, तो हम आत्मा निर्वाण धाम के वासी है अथवा परम धाम के वासी है। या कर्म क्षेत्र पर ये शरीर का आधार ले हम पाट बजाते हैं, तो आत्मा को तो मालूम है कि हमारा स्वधर्म शांत है, यानी गले में हार है। और मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं जंगलों में, यहाँ वहाँ पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा का स्वधर्म शांत है। और आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान है, और वो भी शांत का सागर है। तो हम शांत के सागर के संतान है आत्माएं। जैसे वो शांत, वो शांति तो उनका धर्म है, कोई शांति ढूंढने थोड़ी पड़ती है।
तो जबकि सब कोई अशांति है, देखो सारी दुनिया को अशांत है, तो सारी दुनिया का क्वेश्चन हुआ ना बच्ची, देखो सब कोई कहते हैं पीस कैसे स्थापन हो। अभी पीस तो पीसलेसनेस तो सारी दुनिया में है शांति, तो क्वेश्चन ये होते हैं सारी दुनिया का, भाई सारी दुनिया पतित है, सब जाते हैं हम पतित है, तो सारी दुनिया का ही सवाल हुआ। अभी सारी दुनिया का मालिक तो ये जिसका तुम सुना शिवाय नमः ऊचेते ऊंचा भगवत, अभी शिव कौन है ये तो मनुष्य कोई जानते ही नहीं है, पूजा करते हैं कई कई अपन को ही कह देते हैं शिव हम, अभी शिव परम पिता परमात्मा है अपन को कह देना शिव, अभी शिव तो एक ही है बाप, अपन को शिव कहना ये तो बड़ा पाप हो गया, क्योंकि शिव ही एक है जिसको ही पतित पावन कहा जाता है, मनुष्य को तो कोई को पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता, ब्रह्मा को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, विष्णु को पतित पावन कहा नहीं जा सकते हैं, शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाते हैं, न मनुष्य को लक्ष्मी नारायण या ये जो देवती देवता उनको भी कोई पतित पावन कहा जाते हैं, पतित पावन तो सवा एक के कोई है नहीं, और सर्व का सदगति दाता तो वो एक ही है, तो कोई भी मनुष्य मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकते हैं, कोई भी मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो है सारी दुनिया का क्वेश्चन बच्ची, इसलिए गाया जाते हैं कि देखो मैं मायने सबका सदगति दाता है, सब पतितों को पावन करने वाला, तो बाप बैठ करके समझ जाते हैं बच्ची देखो भारत पावन था जब सतयुग था, जब पावन था अभी पतित है, तो ये सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला कौन, तो वो कहते हैं कि उनको ही तो याद करना चाहिए ना, बाप दादा की मीठे मीठे सिक्की लदे सबसे एबल नंबर वार पुरुषार्थ के अनुसार बच्चों को याद किया, तो सर्विस एबल भी बहुत जरूरी है और अच्छी सर्विस।
की
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका।
से बनता इन्हीं से अम्बर।